नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच काफी ज्यादा बाताबाती हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में छुट्टियों को बढ़ाने की मांग की गई थी शिक्षकों के तरफ से, अभिभावकों के तरफ से, और लेकिन आखिरकार हो वही रहा है जो शिक्षा विभाग चाह रहा है, जो के पाठक चाह रहे हैं। 1:30 बजे तक शिक्षकों स्कूल में ही रहना है और बच्चों को पढ़ाना है। इस दौरान देखिए सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें बच्चे बीमार हो रहे हैं, शिक्षकों की हालत खराब है, के पाठक के डर से शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, कईयों को चोटें आ रही हैं, कईयों के स्कूल में तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बच्ची जो है वो सिसक सिसक कर रोती नजर आ रही है। पहले ये रोती हुई बच्ची क्या कुछ कह रही है, आइए आपको वो दिखाते हैं। अरे बेटा क्यों रो रही है? खाना नहीं खा के आई? क्यों नहीं बना था? अभी अभी खाना खाने जाएगी? रो क्यों रही है? क्यों रही है? खाना खाने जाएगी? तो देखा आपने किस प्रकार से के पाठक का खौफ ना सिर्फ शिक्षकों को है बल्कि अभिभावकों को भी है, क्योंकि लगातार गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। स्कूल की टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग ऐसा है कि प्रचंड गर्मी में बच्चों को झेलना पड़ रहा है भीषण गर्मी का प्रकोप, और बच्चे भूखे प्यासे स्कूल परिसर में पहुंच रहे हैं, और स्कूल परिसर में पहुंचने के बाद क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं बच्चे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इसमें एक बच्ची जो है वो स्कूल पहुंची है और इस दौरान उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे चक्करें आने लगी हैं। देखिए ये कोई आम तस्वीर नहीं है, इकलौती तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं जब से गर्मियों की छुट्टियों की मांग बढ़ी है। लेकिन के पाठक अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, शिक्षा विभाग मानने को तैयार नहीं है और लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बच्चों की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। पहले आप इस दूसरे वीडियो को देखिए जिसमें बच्ची की तबीयत खराब है और उस दौरान वहाँ पर शिक्षक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इतना बिजली रोज आ रहा है बच्चे लोग का सर, मतलब लेकिन कोई असर नहीं है। लड़की लोग ऐसे कमजोर हो रहा है। आप खोलो। तो देखा आपने किस प्रकार से रोते बिलखते बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे स्कूल पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक तरफ जहां के पाठक फरमान जारी कर चुके हैं शिक्षकों को 1:30 बजे तक स्कूल में ही रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को भी स्कूल में रहना है, और ऐसे में वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं कि अगर इन बच्चों को स्कूल परिसर में कुछ हो जाता है तो उनके सामने जो शिक्षक हैं उन पर क्या बीतेगी। देखिए ये तो बात कोई नहीं उठाता, ये सवाल कोई नहीं उठाता, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर छोटे बच्चों को शिक्षकों के सामने कुछ हो जाता है तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा। देखिए लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है, गर्मियों को लेकर प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बच्चों को साथ ही शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरन भूखे प्यासे सुबह वो घर से निकलते हैं और ऐसे ही रोते बिलखते तस्वीरें बच्चों के सामने आ रही हैं और ऐसे में सभी के मुंह पर बस एक ही सवाल है कि आखिर शिक्षा विभाग रहम क्यों नहीं खा रहा है। आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप जो गर्मियों को छुट्टी को लेकर जो ये विवाद उठा है, छुट्टियों की मांग की जा रही है लगातार शिक्षकों की तरफ से प्रचंड गर्मी को लेकर, आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।